हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लीड कोडिंग। आई एम फराज एंड आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग या तो सब्जेक्ट पढ़ के भूल गए होते हैं इंटरव्यूज तक, या फिर आपने सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं होते हैं। गजब बेइज्जती है। तो इसके लिए मैंने एक शीट प्रिपेयर की है जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उन टॉपिक्स पे जाना है, या फिर तो आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, अगर वीडियो नहीं मिलती है तो आपको गीक्स फॉर गीक्स या फिर किसी और वेबसाइट पे उनका आर्टिकल मिल जाएगा। तो आपको बस वही स्पेसिफिक टॉपिक्स रीड करने हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एंटायर बुक। और अगर आप चाहते हैं तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं, उसकी भी लिंक प्रोवाइड करा दी है। तो ऑलरेडी हम आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, DBMS एंड SQL कवर कर चुके हैं। अब आपका बचता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि हम फ्यूचर वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है देन एटलीस्ट इंटरव्यूज से 10 से 15 दिन पहले स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये चार सब्जेक्ट्स हैं एंड इसके साथ साथ आपको DSA भी प्रैक्टिस करना है। तो DSA के लिए भी हमने एक शीट आपको दे दी थी जिसमें आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आप वो शीट कर लेते हैं देन आपका DSA कवर हो जाएगा। तो सब कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा। एंड विद दैट, टुडे इज द डे नंबर 16 ऑफ आवर 30 डेज चैलेंज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों के एटलीस्ट 45 से 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम शीट पे। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम इन लेमेंस टर्म, देन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच OS, मल्टीप्रोसेसिंग OS, मल्टीटास्किंग OS, ये सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये आपको एक बार रीड करके या फिर इनके बारे में वीडियो देख के चले जाना है। ज़्यादा इन डेप्थ आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको कुछ डिज़ाइन करने के लिए नहीं दिया जाएगा, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इनकी। तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोग जब YouTube पे सर्च करेंगे तो या फिर तो आपको संजीत जैन की वीडियो मिल जाएंगी, या फिर आपको किसी नॉलेज गेट की या फिर किसी और चैनल की वीडियोस मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप लोग इजीली इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप गूगल करते हैं तो आपको गीक्स फॉर गीक्स के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। फिर ये थ्योरी वाला पार्ट कवर करने के बाद आप लोगों को जाना है प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, जैसे कि आप लोग 40-50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले एंड या प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर तो इंटरव्यू बिट से या फिर गीक्स फॉर गीक्स से। तो इन दोनों में से आप लोग कोई सा भी सेलेक्ट कर लेना। अगेन, इंटरफेस मुझे थोड़ा सा इंटरव्यू बिट का अच्छा लगा, बट स्टिल इट्स योर चॉइस। आप लोग यहाँ से जाके दोनों में से कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका प्रैक्टिस। फिर उसके बाद आपका बचता है गीक्स फॉर गीक्स के लास्ट मिनट नोट्स। अगर आपके पास टाइम है देन यू कैन लुक एट दोज नोट्स। तो इतना आप कर लेंगे देन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, एंड इससे ज़्यादा आप लोगों को करने की ज़रूरत है भी नहीं। अब होगा क्या कि इन शीट से आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा एंड आप लोगों का कोई टॉपिक मिस भी नहीं होगा। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो 10th के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे हमने एक गिव अवे रखा था, एंड लेट अस सी हु ऑल आर द विनर्स ऑफ दैट गिव अवे। सो दीज आर द विनर्स ऑफ गिव अवे, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दीज। एंड जिन्हें नहीं मिल पाया है इस बार, सून वी विल बी हिटिंग 20,000 सब्सक्राइबर्स एंड देन आई विल कीप अनदर गिव अवे। तो गिव अवे में हमारे पास है गीक्स फॉर गीक्स की माइक्रोसॉफ्ट SD टेस्ट सीरीज। तो जब आप लोगों की तैयारी पूरी हो जाएगी तो आप लोग जाके यहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी लोग गिव अवे के विनर्स हैं वो मेरी मेल ID जो कि नीचे मेंशन है उस पर जाके मुझे एक बार मेल कर देना, एंड आई विल गिव यू योर कूपन कोड। सो इफ यू गाइस आर न्यू हियर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में एंड बाकी बची हुई जो चीज़ें हैं उसके बारे में। थैंक यू।